दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विवाह शादी समारोह के दौरान 100 से ज्यादा भीड़ जमा हुई तो समझो पुलिस थाना करसोग के चक्कर काटने होंगे। इस जानकारी को जुटाने के लिए करसोग प्रशासन ने जहां तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं टास्क फोर्स का गठन करते हुए समारोह के दौरान औचक निरीक्षण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर विवाह आदि समारोह के जो वीडियो डाले जा रहे हैं उन पर भी करसोग प्रशासन कड़ी नजर रखनी शुरू कर चुका है। सरकार द्वारा कोविड महामारी से बचाव को लेकर सख्त कार्यवाही के जो संकेत दिए गए हैं उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए करसोग प्रशासन भी तैयार है। उधर एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि विवाह में 100 से ज्यादा भीड़ होने संबंधी गोपनीय जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। समारोह के दौरान मास्क नहीं पहना और 2 गज की दूरी नहीं रखी गई तो यह बात सभी अच्छी तरह समझ ले कि उन्हें नियमों का आईना दिखाकर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाना निश्चित है। शादी ब्याह में ना 100 से ज्यादा लोग अब इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कैटरिंग वालों के लिए नियम बना दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियो देखे जा सकते हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग देखे जा सकते हैं शादी ब्याह में। उसमें आप बताएं कि अब नए जो नियम लागू हो रहे हैं उसमें कौन कौन सी जो है सख्ती बरती जा सकती है। करसोग उपमंडल में सभी को सूचित कर दिया गया है कि जो सरकार के नए गाइडलाइन है उसमें हमारे शादी या दूसरे कोई भी फंक्शन यदि होते हैं तो उसमें 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। यदि होते हैं तो उनके विरुद्ध FIR लॉन्च कर दी जाएगी। यहाँ सब डिवीज़न में हम एक टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। यह टास्क फोर्स औचक निरीक्षण करेगी, कहीं भी 100 आदमी से ज़्यादा पाए जाते हैं तो FIR लॉन्च कर दी जाएगी। और साथ में यदि 100 आदमी भी वहाँ पर पब्लिक प्लेस पे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, 100 आदमी है, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी चालान भी किए जाएंगे और FIR लॉन्च भी किए जाएंगे। क्योंकि कोविड का खतरा दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ गया है, हमारे बहुत सारी डेथ हो रही है, बहुत सारे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और लोग बहुत सारे जगह से फ़ोन भी कर रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं कि लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किया जा रहा है और जो भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी जो सूचना है वो गुप्त रखी जाएगी। और यदि कहीं सोशल मीडिया पे भी वैसा कोई वीडियो हमारे पास आता है जिसमें लगता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं रखा है, सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, तो उसके बाद भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको देखा जाएगा कि कहाँ ऐसी वायलेशन हो रही है, तो उसके आधार पर उन सभी लोगों को पहचान कर वहां पर बाद में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। NR मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। NR अस्पताल में 16 स्लाइड सिटी स्कैन मशीन, ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा शुरू। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, ENT, स्किन फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, सिटी गाइडेड बायोप्सी, सिटी एजियोग्राफी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सुविधा के साथ साथ हाईटेक OT, स्पेशल वार्ड AC रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे सुविधा, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल सुविधा। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।